14 अगस्त दुनिया तारीख में एक नए बाब का इजाफा हुआ था। 14 अगस्त इलामा मोहम्मद इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरादों की तकमील का दिन। ये पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, आपका पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारी आन है, पाकिस्तान हमारी शान है, पाकिस्तान हमारी पहचान है। ये पाकिस्तान कलमा तैयबा की जागीर है, सूरत रहमान की तफसीर है, लाखों करोड़ों माओ बहनों की दवाओं की तासीर है। किस्सा मुख्तसर मगर जाओ, किस्सा मुख्तसर, ये पाकिस्तान मुसलमान की वो इन तमाम जथेबंदियों में भी आजाद रहता है और आजाद ही नजर आता है। सजवकार, सवाल तो ये है, क्या है वो, क्या पुलिस में है, क्या सरमस्ती है जो एक बंदाए आजाद के जहनो जमीन को आलमी रंगों भूख के तारीशात से बेगाना किए हुए है। आखिर वो क्या हुकूमत है कि उसके जहनो फिकर पर पैर मामूली तबनाई सरशार रखती है। ये जो डिपार्टमेंट है, ये हमदन गोश है और आप देख रहे हैं कि ये सब्ज हलाली परचम के साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और इस बात का अयादा कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान हमारी आन है, ये पाकिस्तान हमारी शान है, ये पाकिस्तान हमारी पहचान है। हमारी ज़िंदगियां इसके लिए वक्फ हैं और हसूल पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए जब कभी भी जान का। 14 अगस्त 1947 का दिन सेलिब्रेट करने के लिए सियालकोट के किला में एक तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसको मनक़द करने में सियालकोट के डीसी जनाब अदनान साहब ने अहतमाम किया था, जिसमें पाकिस्तान स्पेशली सियालकोट के तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग, तमाम इदारे और मुख्तलफ मज़ाहब के लोग एक ही छत तले जमा हो के इस बात का अयादा कर रहे थे कि हमें जो आज़ादी मिली है, हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र गुज़ार होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी मुफ्त में नहीं आती, प्लेट में रख के नहीं दी जाती, बल्कि जानों की कुर्बानी,
इसमत दरी के बाद अपना घर बार सब कुछ लुटाना पड़ता है, फिर जाके आज़ादी मैसर आती है। पाकिस्तान के एक दानिश्वर लिखता है कि मैं दरिया जेलम के पुल पे था, तो एक तरफ से सिख आ रहे थे और दूसरी तरफ से हिंदू। अब मुझे लग रहा था कि मैंने हर सूरत में ही मरना है, लिहाजा मैंने दरिया जेलम में छलांग लगा दी। लेकिन इतनी लाशें थी कि मैं उन लाशों पे तैरता हुआ किनारे पे चला गया। इसको कहते हैं आज़ादी। लिहाजा हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और पाक कर्ज़ वतन पाकिस्तान की सलामती की दुआ करनी चाहिए और हमदन गोश रहना चाहिए और वो तमाम सलाहियतें बुरवेकार लानी चाहिए जिससे जो मुल्क पाकिस्तान जो खुदादाद सलाहियतों का मालिक है, इनको यूटिलाइज़ करके पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों की सफ़ में आना चाहिए जो तरक्की की दौड़ साढ़ा सिख भरा कह रहा सी कि हमें पाकिस्तान में वो तमाम मज़हबी आज़ादियां हासिल हैं जिनसे हम बहरामंद होकर ना सिर्फ अपनी मज़हबी बल्कि समाजी लेवल पे भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे। इसलिए पाकिस्तान हमेशा पाकिस्तान है। अच्छा आप लोग आप ही जरा एक तस्वीर बनानी है। आज़ादी मुबारक, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबूए वफा आएगी। आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए ये पंडाल सजाया गया है। तमाम स्कूलों के बच्चे हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने में अपना हिस्सा डालते हैं। इस अज़म का इजहार करते हुए कि जिंदा कौमें जिंदा दिली से अपना जश्न सेलिब्रेट करते हैं, सो हम भी इस अज़म का इजहार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। पाकिस्तान जिंदा। अल्लाह सामने
पाकिस्तानी परचम के साथ यकजहती करते हुए। स्कूल शाहपुर से उसामा कमर से तलावत कलाम पाक के लिए उसामा कमर से मुंतमिस हूँ कि उस स्टेज पर तशरीफ आए। सियालकोट के डी सी अदनान साहब कुछ रिप्लाट के आए हैं, उसके साथ पाक आर्मी के ऑफिसर्स हैं और माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कावश पसंद आई हो, ये कावश नहीं बल्कि फ़र्ज है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें जान से भी प्यारा है, इस कावश को मलहूज़े खातर रखते हुए पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। खुदा हाफिज़।